वेलकम बैक टू एम बी बी एस मंट्रा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसोफेगस और स्टमक के डिसऑर्डर्स के बारे में ये वाली वीडियो और दी नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ हैं गैस्ट्रो इंटस्टाइनल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड और फ्यूचर वीडियोज में हम वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन एंड लार्ज इंटस्टाइन एज वेल सो लेट्स बिगिन विद द डिसोफेगस नंबर वन इज पैरालिसिस ऑफ स्वैलोइंग मैकेनिज्म इन दिस में इसमें स्वेलुइंग मैकेजम जो है स्वेलुइंग या खाना निगलना विच इज़ दी फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन उसकी पैरालिस हो जाती है इन सच ए वे कि हमारी जो नॉर्मल स्वेलोइंग का प्रोसेस है और पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल का वो डिस्टर्ब हो जाता है वो अफेक्टेड हो जाता है एंड इसकी कॉज क्या है कॉज इज़ दंबर फर्स्ट इज़ दी डैमेज टू सी फाइव सी नाइन और सी टेन क्रेनियल नर्व फाइव नाइन या टेन डैमेज की, की वजह से पैरालिसिस हो जाएगा या फिर ए, इम्यून ऑटोइम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मिसीनिया ग्राविस या एनसेफेलाइटिस जैसे डिजीज़ की वजह से भी हो जाएगा जाने जाने की नंबर टू इज दी मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट एकेलेजिया कार्डिया एकेलेजिया कार्डिया में क्या होता है कि दी लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है हमारे ईसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर जो स्टमक में ओपन करता है वो इट फील्स टू रिलैक्स यानी खाना उसके अंदर अपर वाला हमने हमने निवाला निकला दी अपर ईसोफेगियल स्प्रिंक्टर कॉन्ट ओपन्स ओपन्स यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खाना उसके अंदर आ गया अब जब लोअर ईसोफेगल स्प्रिंक्टर रिलैक्स करेगा तभी तो खाना स्टमक के अंदर जाएगा तो इसमें लोअर ईसोफेगियल स्प्रिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं करेगा तो यानी खाना स्टमक के अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा नहीं और वहीं ईसोफेगस में एक्यूमलेट हो जाएगा इन द लॉन्ग रन इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी ऑफकोर्स खाना जो है हमारे चेस्ट रीजन में अटका रहेगा और एक अनइजीनेस की फीलिंग होगी और अगर इफ़ इट कंटिन्यूस तो कॉम्प्लिकेशन uh, uh, भी हो सकती है एंड द मोस्ट कॉमन अमंग्स इट इज़ हार्ट बर्न यानी हमारे चेस्ट वाली रीजन में हार्ट वाला रीजन जो है उसमें हार्ट बर्न हम महसूस करेंगे एज इफ दैट आवर हार्ट इज़ बर्निंग क्योंकि खाना जो है वीट स्पाइसी फूड विच इज़ नॉर्मली एसिडिक इन नेचर एंड इट when स्टेज इन the esophagus अब स्टमक स्टमक में तो स्टमक इज केपेबल स्टमक इज केपेबल ऑफ ऑफ एक्सेप्टिंग द एसिडिक पी एच बिकॉज उसमें थिक म्यूकस लाइनिंग होती है बट ईसोफेगस में नहीं होती एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब एसिडिक स्टम जब एसिडिक फूड जो है हमारा नॉर्मल फूड उसके अंदर रुका रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसकी कॉज़ क्या है विच इज़ दी इट इज़ दी डैमेज ईसोफेगस नर्व सप्लाई ईसोफेगस की अगर नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है उसकी वजह से या बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन नाउ कमिंग टू द डिसडर्स ऑफ द स्टमक इसमें आता है गैस्ट्राइटिस गेस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ दी स्टमक या इसको गैस्ट्रिक एट्रॉफी भी कहती हैं ये इसमें तीन कॉम्प्लिकेशन्स आती हैं नंबर वन इज़ दी ए क्लोरोहाइडिया ए क्लोरोहाइडिया क्लोरोहाइडिया ऐसे आप समझ गए होंगे इट वी आर टॉकिंग अबाउट द एच सी एल ए क्लोरोहाइडिया यानी एप्सेंस ऑफ एच सी एल सिक्रीशन यानी इसमें एच सी एल सिक्रीशन नहीं होगा हाइपो क्लोरोहाइड्रिया हाइपो यानी कम यानी एच सी एल सिक्रीशन जो है वो कम होगा और नंबर थ्री इज परिशियस एनीमिया एंड नंबर थ्री इज परनिशियस एनीमिया और ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ नो सिक्रीशन ऑफ कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर अब हम इन चीजों को डिटेल में देखते हैं एक क्लोरोहाइड्रिया एक क्लोरोहाइड्रिया यानी एच सी एल सिक्रीशन नहीं होगा और हाइपोक्लोरोहाइड्रिया इसमें एच सी सिक्रीशन कम होगा अब दोनों ही केसेस में एच सी सिक्रीशन जो है नॉर्मल से कम है या नहीं है एच का काम क्या होता है पेप्सिनोजिन जो होता है एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एच सी नहीं होगा तो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा यानी डाइजेशन हैम्पर होगा पर्निशियस एनीमिया क्यों होता है क्योंकि कासल्स इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं हुआ अब कासिल्स इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन्स आएंगी और इन दी एंड पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा अब का अब कासिल्स इंट्रेंसिक फैक्टर भी तो गैस्ट्रिक लैंड सिक्रीट करते हैं यानी स्टमक की वॉल्स में ही तो परेशानी है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो इन तीनों की वजह तो ये तीन जो हैं ये गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक एट्राफ़ी की ही कॉजेज हैं नंबर सेकेंड इज़ दी अल्सर। पेप्टिक अल्सर बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है और हम डेली दे, लाइफ में सुनते भी हैं अब सबसे पहले कि अल्सर होता क्या है अल्सर इज़ एन एक्सकोरिएटेड एरिया ऑफ स्टमक और इंटस्टाइनल म्यूकोसा यानी अल्सर सीधी सीधी जबान समझें तो छाला छाला हमारे स्टमक की लाइनिंग के अंदर यानी एक जला हुआ एरिया या एक, एक एक्सकोरिएटेड एरिया डैमेज्ड एरिया स्टमक में या इंटरस्टाइनल म्यूकोसा में कहीं पर भी होता है तो उसको हम अल्सर कहते हैं अब अल्सर जो हैं दे आर मोर कॉमन अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक हमारे स्टमक के लेसर कर्वेचर में मोर कॉमन है अब पहले तो ये समझिए कि लेसर कर्वेचर है कहाँ दिस वन इज द लेसर कर्वेचर ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये है लेसर कर्वेचर दिस वन इज़ दी लेसर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर में ही अल्सर ज़्यादा कॉमन होते हैं अब ये क्यों होते हैं इसकी वजह ये है क्योंकि इस एरिया में नंबर वन तो ये है कि एपिथीलियम जो है विच इस इट इज़ कम्पेरेटिवली थिन। एपिथीलियम जो है यहाँ की कम्पेरेटिवली थिन होती है ये वाले पार्ट जो हैं गैस्ट्रिक एसिड से को मोर एक्सपोज होते हैं this region is more exposed to the gastric acid and the third which is the most important ki it is also directly exposed to the food ingested food jo bhi khana ingested yahan aaya to idhar se khana andar aayega aur foran aur ye wala area more prone hoga khane ke action action ko le ke liye so this is the reason कि pepti, peptic पेप्टिक अल्सर लेसर कर्वेचर में क्यों होते हैं it is ये एनाटमी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ कवर कर लिया है अब कॉजेस क्या हैं पेप्टिक अल्सर की कॉजेस क्या हैं नंबर वन इज़ हाइपर क्लोरोहाइडिया हाइपो तो हम समझ गए थे लेस एच सी एल सिक्रीशन हाइपर यानी ज़्यादा और मोर एच सी एल सिक्रीशन नंबर टू इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय हेलिकोबैक्टर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है कि जिसका मेन काम ही होता है अल्सर करवाना तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की, की वजह से होता है एंड नंबर थ्री इज़ स्मोकिंग एंड नंबर फोर इज़ एल्कोहल इनकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या है ऑफकोर्स एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स से तो होता है एंड सेकेंड इज एसिड सप्रेसेंट ड्रग्स सच एज रानिटडीन वो ड्रग्स जो एसिड को रोकती हैं एग्जाम्पल रानिटडीन इज द मोस्ट कॉमन और ये सबसे पहले डिस्कवर भी हुई थी इसके बाद ओमिप्राजोल भी होता है रानिटीन भी होता है रेबीप्रजोल भी होता है जो डिस्कस करेगा खैर ये तो फार्माकोलॉजी का टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द ईसो एंड स्टमक अब हमारी नेक्स्ट अगली वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर स्मॉल इंटस्टाइन के और लार्ज इंटस्टाइन के सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू द वीडियो इन केस ऑफ एनी क्वेरी अस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वन थिंग विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल की दिस इज ऑल बेस्ड ऑन ऑन द टेक्स्ट फ्रॉम गाइडन गाइडन एंड हॉल के लेटेस्ट uh, एडिशन के ऊपर ये बेस्ड है सारा टेक्स्ट और उसी में से हम आगे पढ़ेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एम बी बी एस मिनटर